हरियाणा में आज 15वीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हर पोलिंग बूथ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं मतदाता सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में इस बार मतदाता काफ़ी जागरूक भी नजर आ रहा है और अपने मत का प्रयोग कर रहा है। वहीं मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजन भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। वहीं इस बार युवा मतदाता भी मतदान केंद्रों पर जाकर भारी संख्या में मतदान कर रहा है। वहीं लोकल 18 ने जब इस बारे में युवा मतदाता ज्योति से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार वह पहली बार मतदान कर रही है और उन्होंने कहा कि अपने बेहतर कल के लिए और लोगों को भी मतदान करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने बेहतर भविष्य के लिए मतदान करने के लिए बूथ पर आई है और उन्होंने मतदान किया है, उन्हें मतदान करने में बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं मतदान करने के लिए आए दिव्यांग रोशन लाल ने बताया कि वह गांव ननियोला के रहने वाले हैं और आज वह पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए आए हैं। वहीं लोकल 18 को जानकारी देते हुए विकास ने बताया कि वह गांव ननियोला के रहने वाले हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार मतदान किया है। मतदान करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वह लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने मतदान का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार जरूर चुने। मेरा नाम ज्योति है, मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूं, मुझे वोट करके बहुत अच्छा लगा। मैं यूथ से यही अपील करना चाहूंगी कि अपने देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट जरूर करें। थैंक यू। क्या नाम है? अंकल रोशन लाल। कौन से गांव के रहने वाले? यही है, ननियोला। तो वोट करने आए क्या? घर तक पहुंचे तो कोई वोट करवाने के लिए? वोट करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर? कैसे आए वोट करने के लिए? किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दा मता कोई ना, मुद्दे मते का से सर। गांव ननियोला से जी। पहली बार वोट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर अपने वोट का प्रयोग करें और अपने लिए अच्छी सरकार चुनें।